अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मरियम साबिर हेयर। ओके जी, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आपने अगर कंपनी को सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करनी हो अपनी ओरिफ्लेम ऐप को यूज़ करते हुए, कोई भी उस प्रोडक्ट की जो कि आपने ऑर्डर रिसीव किया है उसके अंदर डैमेज है या फिर मिसिंग है, तो कैसे करते हैं। सिंपली आपने जो है वो ओरिफ्लेम ऐप को ऑन करना है। जी, तो जैसे ही हम ओरिफ्लेम ऐप को ऑन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमें शो हो जाता है। यहाँ पर देखें, डिफरेंट ऑप्शंस आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे आपने जिस ऑप्शन को यूज़ करना है वो कौन सा है, वो है कस्टमर सर्विस। ये देखें, एक्टिविटीज़ के नीचे जब आपको ये ऑप्शन शो होगा तो यहाँ पे देखें इस तरह का, सॉरी, जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि अगर आपका कोई इंसिडेंट है, लाइक इंसिडेंट का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई वाकया है जिसको आप कंपनी को जो है वो एड्रेस करवाना चाह रहे हैं, वो क्या है। सबसे पहले तो ये कि ये एक मेंबर का ऑर्डर है, ठीक है, उन्होंने रिसीव किया, उसके अंदर एक प्रोडक्ट जो है वो डैमेज है, ओपन है, एम्प्टी है, उसकी ना जो है वो फाउंडेशन जो थी वो अंदर से डैमेज है, ये समझ लें। अब हम मैंने जो है वो उसको सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करनी है कंपनी को, ताकि कंपनी जो है वो उसको दोबारा से रीडिस्पैच करके, ठीक है, उस कस्टमर तक पहुंचाए। सबसे पहले इंसिडेंट टाइप देखिए, आपने इंसिडेंट टाइप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ढूंढनी है। आपकी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब देखिए इसमें जो ऑप्शन शो हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव आ रहा है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, कैंसिल ऑर्डर्स, चेंज इन डाटा, इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, लास्ट पे जो ऑप्शन प्रोडक्ट है ना, ये मैं चूज़ करूँगी, लेकिन प्रोडक्ट का आगे क्या है, मतलब क्या मसला है, तो आ जाएंगे सब टाइप पे। जैसे ही मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि पिक्चर फ्रॉम कैटलॉग इज़ डिफरेंट, प्रोडक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड यूजेज, क्या आप क्या करना चाह रहे हैं। एक्चुअली मेरी प्रोडक्ट, हाँ जी, डैमेज और डिफेक्ट, ये देखिए, ठीक है, वो डैमेज है ना। अब जो कस्टमर का प्रॉब्लम है ना, उसने मुझे सेंड किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया कि प्रोडक्ट का जो है वो कोड क्या है, ब्रांड पार्ट नंबर क्या है, ठीक है, इनवॉइस का नंबर क्या है, और इसके अलावा जो फाउंडेशन है उसका नेम क्या था, उसका कोड जो है वो सारा कुछ लिखा है, और मैंने उनको बताया कि प्लीज़ इसको दोबारा से जो है वो भेजें, हमारा कस्टमर जो है वो परेशान हो रहा है, ठीक है। अब चूँकि हमें इनका ब्रांड पार्ट नंबर, ये मैंने कमेंट में क्यों लिखा पहले, क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया हुआ था, अदरवाइज़ सबसे पहले टाइप इंसिडेंट, ठीक है, उसके बाद सब टाइप, फिर कंसल्टेंट नंबर, ठीक है। ये कंसल्टेंट नंबर एक्चुअली मेरे, मुझे पता नहीं है ना इनका, तो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। जैसे ही ब्रांच पे क्लिक करूँगी ऑटोमेटिकली जो उनका यू नो रीजन होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी ब्रांच है वो शो हो जाएगी। दैट्स हाउ यू नो वी, फिर कमेंट बॉक्स में आके आपने जो भी प्रॉब्लम है वो एड्रेस कर देना है। लाजमी आपने प्रोडक्ट का नेम भी बताना है, कोड भी बताना है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम भी लिखनी है, ठीक हो गया, ब्रांड पार्ट नंबर भी मेंशन करना है, ऑर्डर नंबर भी मेंशन करना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड डॉक्यूमेंट, ऐड डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जो पिक्चर है ना वो मैं एक दफ़ा उनको शो करवाऊँगी कि ये प्रोडक्ट थी जिसमें प्रॉब्लम आई है, और ये उसकी पिक्चर में जो है वो उनको नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके क्वान्टिटी उसकी 1 है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि पिक्चर, कुछ भी ना लिखें तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट पिक्चर अटैच करना ज़रूरी है। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में जो पिक्चर, ये वाली पिक्चर है, मुझे आपको पता होता है कि आपकी गैलरी में कहाँ पे वो पिक्चर पड़ी हुई, ठीक है। अब चूंकि ये आप सारी फिल हो गई इन्फॉर्मेशन, सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये जो पिक्चर मैंने अटैच की है ये एज अ डॉक्यूमेंट सेव हो गई, ठीक है। दोबारा से रिव्यू कर लें अच्छे से, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन है, सेव पे क्लिक करें, आपकी सर्विस रिक्वेस्ट लॉक हो जाएगी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपने यू नो एड्रेस करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।